भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू के दौरान प्रशासन ने कुछ फल सब्जी विक्रेताओं को घर घर वितरण के लिए अनुमति जारी की है, जिसका वे गलत फायदा उठाने से में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी में रिटेलर को काफी कम दरों पर फल और सब्जियां वितरित की जा रही है, लेकिन वे अपनी मर्जी से दर तय कर ग्राहकों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से 5 से 10 रुपए तक का मार्जिन रखने के निर्देश दिए गए थे। फल विक्रेताओं का कहना है कि ज्यादा रेट लगने पर उपभोक्ता प्रशासन में शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलने के चलते लोग शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। रेट से चल रही है, अच्छी पूरी तरह सप्लाई हो रही है और भीलवाड़ा में कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई सर ये सभी वार्डों में जा रहा है, भीलवाड़ा जितने वार्ड है समय बराबर सप्लाई हो रही है। हर वार्ड में दो या तीन गाड़ी जाती है। वाजिब दाम पे जा रही है? वाजिब सरकारी रेट से, हमेशा अलग अलग रेट निकलती है, जो भी गवर्नमेंट की रेट निकलती है। रेट कौन तय करते हैं? सर ये सचिव साहब प्रसिद्ध मंडी से ऑफिस से लेने पड़ती रेट। भीलवाड़ा का रोल मॉडल पूरे हिंदुस्तान में अपनाया जा रहा है, वहीं भीलवाड़ा में फल फ्रूट और इनकी सब्जियों के रेटें मार्केट में ज़्यादा वसूली जा रही हैं। जहाँ सरकार ने अपने नियंत्रण में होलसेल के भाव और रिटेल के भाव निश्चित किए हुए हैं, लेकिन होलसेल विक्रेताओं से ये लेके जाते हैं रिटेल वाले, वो ज़्यादा दाम वसूल कर रहे हैं। भीलवाड़ा में चाहे फ्रूट्स में आम हो, अमरूद हो, केला हो, पपीता हो, संतरे हो, चाहे सब्जियों में आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर हो, होलसेल वाले तो अपनी फिक्स रेटों में दे रहे हैं, लेकिन रिटेल वाले इसके ज़्यादा दाम वसूल कर रहे हैं। कोरोना महामारी में वैसे ही आम जन की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन रिटेल विक्रेताओं के कारण आम जन की जेब कटी जा रही है। देखना होगा कि प्रशासन इन पे अंकुश कब लगा पाता है। कैमरा पर्सन गोविंद पाइक के साथ योगेश शर्मा, एवन टीवी, भीलवाड़ा। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है।